तो एल्विस यादव को गाइस उनके ब्लॉग वीडियो में आज एक बहुत ही अजीबो गरीब बंदा मिला था। और वो बंदा गाइस एल्विस यादव से मिलने के बाद एल्विस यादव को बोल रहा था कि मेरी बेगम कहीं पर खो गई है। और वहां पर गाइस वो बंदा एल्विस यादव को ये भी बोलता कि मैं पहले हिंदू था लेकिन मैं अभी मुस्लिम फैमिली में रहता हूं। और बाद में तो गाइस एल्विस यादव ने अपने ब्लॉग वाले वीडियो में ये भी बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बंदा मेरे ऊपर अटैक भी करने वाला था। तो इस पर गाइस एल्विस यादव ने क्या कुछ कहा, उस बंदे को लेकर क्या कुछ रिप्लाई दिया, आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। दारू आज उसने तो दारू भी रखी थी भाई, इस वाले आदमी ने कुछ कर रखा था भाई। ये कैसा डिप्रेशन है यार, पता नहीं किसके घर की क्या हालात है, क्या परेशानी है। उसका घर भी तो थोड़ा अजीब सा था भाई, इसमें तो धर्म वर्म भी था, कभी कुछ कह रहा कभी कुछ कह रहा। मेरे को आके पता है उसने क्या बोला, उसने बोला मेरी बेगम नहीं मिल रही। मैं कहा है, मैं कहा क्या मतलब, फिर अजीब सी बात करी कुछ उसने। मैंने कहा भाई तू सही बता, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमला करने आया मेरे पे, सही बात बता रहा हूँ। मैंने कि ये सारा कुछ कर लिया, मैंने शीशा ऊपर करा मैंने, फिर उसके बाद मैं कि इस शीशा का लो नहीं चाहिए अपने पास, कोई नहीं अभी क्रिकेट खेलने स्टार्ट करते हैं, बंदे आ रहे हैं अपने, फिर देखते हैं आज। पॉपी भाई, पॉपी भाई सिर्फ एक आप एक सच्चे आदमी ब्लॉग में आके सच्चाई बताओ सबको, चलो।